चलिए आज हम लोग देखेंगे लीनियर इंक्रीमेंट टू वैल्यू। जब दो एक साथ होते हैं, अर्थात मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, युगपत रैखिक समीकरण की, उनका जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ निकालते हैं तो कैसा होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे। केस वन, पहला केस क्या है, ए वन बाई ए टू बराबर नहीं बी वन बाई बी टू, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। मतलब ऐसा अब आप ये सोच रहे हो कि सर ए वन ए टू बी वन बी टू ये क्या है, तो याद कीजिए मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इक्वल जीरो। तो a1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट है x का, b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट है गुणांक किसका y, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है अचर। तो यहाँ a1 a2 का रेशियो निकालना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 4x plus 8y is equal 10 और x plus y is equal 5। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार है और यहाँ का गुणांक क्या है एक, तो चार बटा एक, यह ए वन बाई ए टू चार बटा एक केवल, और यहाँ है बी वन, तो बी वन यार कितना है एक और बी टू कितना है वन, तो इसका रेशियो 4:1 और इसका 8:1 क्या ये बराबर है, चार बटा एक और आठ बटा एक क्या बराबर है, नहीं है, इसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर नहीं है, और जब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर नहीं होता है तो इसका जब हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ग्राफ ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ जो है एक दूसरे को, इन दोनों का जो ग्राफ होगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, और जिस बिंदु पे एक दूसरे का काटेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा और जो वाई निर्देशांक होगा, वही एक्स और वाई इन दोनों समीकरण को, वही एक्स वाई का जो मान होगा इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा और रखेंगे तो वो इक्वल आएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सारे केस की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर ए वन बाई ए टू बराबर नहीं हुआ बी वन बाई बी टू के, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। केस टू में क्या होगा, यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, तो ग्राफ आश्रित होगा, क्या होगा आश्रित, आश्रित का मतलब होता है एक के ऊपर एक, आश्रित मतलब उसी पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं एग्जांपल 2x plus 4y is equal 4, 4x plus 8y is equal 8। चलिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2
ऐसे समझे यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे देख लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो रेशियो निकालिए 2 by 4 4 by 8 4 by 8 चलिए सॉल्व करें काटिए इसको कटता है तो क्या आएगा 1 by 2 यहाँ क्या आएगा 1 by 2 और यहाँ क्या आएगा 1 by 2 तो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों क्या है आपस में बराबर है जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक दूसरे पे आ जाएगा जैसे मान लीजिए समीकरण एक का ग्राफ हमारा ऐसे आ गया तो दूसरे समीकरण का जो ग्राफ होगा वो भी उसी पे आएगा उसी पे आएगा दोनों ग्राफ एक ही पे हो जाएंगे आश्रित हो जाएंगे वो अलग अलग नहीं होंगे तो इनको हम कहते हैं दूसरा नाम एक और है संपाति भी कहते हैं क्या कहते हैं संपाति या आश्रित तो ये दूसरा केस था यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू तो ग्राफ कैसा हो जाएगा आश्रित हो जाएगा और ए वन बाई ए टू बराबर नहीं हुआ बी वन बाई बी टू तो ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा एक हमारे पास और कंडीशन है केस थ्री क्या है यदि ए वन बाई ए टू बराबर हो बी वन बाई बी टू के बट ये बराबर नहीं हो सी वन बाई सी टू के ये दोनों आपस में बराबर हो लेकिन जब कॉन्स्टेंट का रेशियो निकाला जाए तो वो बराबर नहीं हो तो ग्राफ हमारा जो है वो पैरेलल हो जाएगा समांतर ग्राफ कैसा हो जाएगा समांतर हो जाएगा मतलब कुछ ऐसा इस तरह से हो जाएगा ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे समांतर रहेंगे आप हमेशा आपस में और समांतर रहेंगे तो काटेंगे नहीं और काटेंगे नहीं तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे जो इस कंडीशन से बिलोंग करते होंगे उनके लिए हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे हमसे नहीं निकाला जाएगा नहीं निकाल सकते क्योंकि जब नहीं काटेंगे तो दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट एक हो और दोनों को संतुष्ट करे जैसे मान लीजिए इसके लिए आप एग्जांपल ऐसा सोच सकते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल फोर टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल नाइन आप देखेंगे तो यहाँ वन है और यहाँ टू है तो ए वन बाई ए टू करेंगे तो वन यहाँ फोर है और यहाँ टू है तो फोर बाई टू करके सॉरी टू बाई फोर है तो टू बाई फोर काटेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा और यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट का फोर बाई नाइन तो यहाँ वन बाई टू ए वन बाई टू इक्वल बट फोर बाई नाइन इसके अनइक्वल है मतलब ए वन बाई ए टू बराबर है बी वन बाई बी टू के इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है आपस में देख लीजिए लेकिन सी वन बाई जो सी टू है वो इन दोनों के बराबर नहीं तो इस कंडीशन में हम एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते नहीं निकल पाएगा और यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो निश्चित ही दोनों का जो ग्राफ होगा आपस में क्या होगा वो पैरेलल होगा समांतर होगा तो ये तीन कंडीशन थे हमारे पास कि ए वन बाई ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बाई टू का तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा अगर ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई ए टू बराबर सी वन बाई सी टू तो ग्राफ आश्रित होगा एक ही हो जाएगा और ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई ए टू लेकिन सी वन बाई सी टू बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो समांतर हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा चलिए इन तीनों कंडीशंस को हम लोग ग्राफ खींच करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है
ये हमारा इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। यहाँ पे a1 by a2 और b1 by b2 करके आप निकाल के देख सकते हैं ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब इस कंडीशन पे है। इसका ग्राफ किसने है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण एक से वैल्यू निकालेंगे x plus 5 is equal 4, then x is equal 4 minus y। अब देखिए अपने मन से आप x और y का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, y यहाँ पर है तो y का रखिए, अगर x उठाई जाए तो x का रखते, जैसे y का मान मैंने 0 रख दिया तो y का अगर 0 रखेंगे तो 4 में 0 घटेंगे तो क्या आएगा 4, तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या जाएगा 4, मतलब y का वैल्यू कुछ रखेगा तो x से कुछ निकल के आएगा, तो y का 1 रख लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 3, y का 2 रख लेते हैं तो x कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो समीकरण एक से था, समीकरण दो से x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर 2y माइनस में इधर आएगा तो प्लस, अब फिर यहां भी एक डब्बा बना लेते हम लोग और x y का वैल्यू निकालते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या जाएगा 2, y का मान 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 3, और y का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या जाएगा 4। अब ये जो दोनों हमारे पास वैल्यू मिले हैं समीकरण 1 से और 2 से, इनको ग्राफ पर से प्लॉट करते हैं। पहला देखिए x 4 है y 0, x 4 1 2 3 4 यहाँ पे y 0 तो कहीं नहीं जाएंगे, x 3 है और y 1 है तो x 3 1 2 3 और y 1, तो y जो 1 है वो प्लस में है ना, तो प्लस वाला तो ऊपर होता है तो यहाँ पे आ गया। तीसरा x 2 और y 2, x 2 और y 2 यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए जो तीनों पॉइंट, जो तीनों कोऑर्डिनेट है, तीनों जो निर्देशांक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, एक सरल रेखा में। अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं और बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स आप निकालिए और भी निकालेंगे यहाँ वाई का मान रख करके, तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं वो आएंगे। चलिए इसका प्लॉट करते हैं, x2 y0, x2 1 2 y0 यानी यहीं पे, x3 y1, x3 1 2 3 और y1 यहां पे, x4 y2, x4 1 2 3 4 आप लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 इधर कर लो 1 2 3 तो x4 और y2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन तीनों को हम मिला दीजिए, तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, x plus y is equal 4 का, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, x minus y is equal 2 का है। तो इन दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ किसे गए, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के जो ग्राफ है एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए काटे, और इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब x का मान 3 और y का मान 1 इन दोनों में रखिए, 3 और 1 4, यहां 3 रखे हैं 1 3 में से घटे हैं, तो दोनों ही समीकरण को वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है जहां पे कट रहा है एक दूसरे का ग्राफ वो संतुष्ट करेगा, और इन दोनों का जो ग्राफ है वो क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो
जिसमें ये कंडीशन हो जाए कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो अगर उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो उसको उसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगा, उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और उसे हम संगत समीकरण कह सकते हैं। किस तरह के समीकरण क्या कहते हैं? संगत समीकरण। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा केस टू है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, इस शर्त पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे और उन दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का जो ग्राफ है वो एक ही पे आ जाएगा, आश्रित हो जाएगा। और इस स्थिति में जब आप प्रॉब्लम लेकर के उनका ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रहेंगे, पैरेलल आएंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं, x plus y is equal to और x 2x plus 2y is equal 4। तो यहाँ पे नहीं फिर गड़बड़ जाएगा, 2x plus 2y is equal 3 कर देते हैं। यह समीकरण एक, यह समीकरण दो, a1 by a2 b1 by b2 बराबर हो जाएगा लेकिन c1 by c2 बराबर इन दोनों के नहीं आएगा। चलिए ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ के लिए पहले वैल्यू x plus y is equal to 2, y 2 इधर है, y plus इधर आएगा तो माइनस डब्बा बनेंगे। चलो y क्या वैल्यू रखो अपने मन से, 0, x 2, 1 रखो 1 आएगा, 2 रखो 0 आएगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x plus 2y बराबर 3, तो 2x बराबर 3 minus 2y आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 minus 2y by 2। अब देखिए इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं xy का, xy तो y का मान अपने मन से कुछ रखिए आप। चलिए हम लोग रखते हैं कुछ एक रखते हैं, तो अगर एक रखेंगे पहले जीरो रखते हैं, तो y जीरो रखोगे तो दो में जीरो से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा और तीन में जीरो घटाएगा तो 3/2। अगर y 0 होगा तो 3/2 आएगा मतलब 1.5। अगर y 1 रखते हैं तो क्या जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा और 1/2 मतलब 0.5। चलिए 3 रख लेते हैं तो 3 दूना क्या जाएगा 6, सॉरी y का मान 2 रख लेते हैं 2 दूना 4, तो 3 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 1 by minus 1, minus 1 by 2 मतलब minus 0.5। हमने y का वैल्यू क्या रखा था 2। अब इन दोनों ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। चलिए ये हमारा 1, 2, 3, ओके इधर भी कर लेते हैं ऐसे ही 1, 2, 3, इधर माइनस 1 माइनस 2, तो इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। चलिए एक्स दो वाई जीरो, एक्स दो वाई जीरो, यानी यहाँ पे एक्स एक और वाई एक, तो एक्स एक और वाई एक यहाँ पे, एक्स जीरो वाई दो, एक्स जीरो वाई दो यहाँ पे मिला दीजिए इसको तीनों को, एक तो ले सीट लेंगे मिल गया। दूसरा देख लीजिए x 1.5 y 0, x 1.5 तो 1.5 इधर बीच में आएगा y 0, x 0.5 y 1, x 0.5 और y 1 यहां पे आएगा, ध्यान देंगे x 0.5 और y 1, x minus 0.5 और y 2, तो minus 0.5 तो यहां आएगा और 2 यहां आ जाएगा।
अब इन तीनों पॉइंट को मिलाइएगा, तो ध्यान देखिए ये दोनों, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है समीकरण एक है और ये जो ग्राफ है समीकरण दो का, और दोनों ही समीकरण में जो कंडीशन है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर नहीं c1 by c2 के, तो देखिए दोनों ग्राफ क्या आ गया, समांतर आ गया। तो तीनों ही केस में अलग अलग आपको ये जांच कर लेना है कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 में क्या रिलेशन है, और उसको देख करके आप बता सकते हैं बिना सॉल्व किए कि उसका ग्राफ कैसा होगा। आई वॉज ओके, थैंक यू।